McAfee Edge World स्टार्ट करिए। आज हमारा न्यू चैप्टर है, द नेम ऑफ चैप्टर इज गैसियस स्टेट। बट अगर आप अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो आपके स्कूल की टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग वहीं से डिस्कशन शुरू करते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट ऑफ मैटर? वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स और लिक्विड और गैस को हम लोग किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लिक्विड्स हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड गैसेस हैव ऑलमोस्ट निल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और या फिर आप इंटरमोलिकुलर स्पेस के टर्म्स में बोल सकते हैं। गैसेस हैव ह्यूज इंटर एटॉमिक स्पेस, लिक्विड्स हैव लिटिल इंटर एटॉमिक स्पेस एंड सॉलिड्स हैव नो इंटर एटॉमिक स्पेसेस। तो इस तरह से आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट हम लोग डिटेल में क्लास 12th में कंप्लीट करेंगे, वो हमारे 12th के सिलेबस में आता है। और गैसियस स्टेट हमारा ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में हमें स्टडी करना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले गैसेस के बारे में। तो मैं इसमें कुछ बताऊं, इससे पहले आप लोग मुझे कुछ बताओ गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी सबको बोलनी है जो कुछ भी आप गैस के बारे में जानते हैं। एवरीवन, अदिति गिव वन प्रॉपर्टी ऑफ गैस। So the in gases the intermolecular forces of attraction are very weak. Correct. And they're next. Not. And, bas. And one property. Vaishnavi. Vaishnavi. Are you there? Yes. हाँ बताओ वैष्णवी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वन प्रॉपर्टी बताया आदिति ने कि गैसेस है वेरी लेस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ओके ठीक है, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही, करेक्ट। निर्मित, थर्ड प्रॉपर्टी आप बताओ। Most gases are non-metals. Most of the gases are non-metal. ये गैस की प्रॉपर्टी नहीं हुई, ये तो फिर they take the shape of the container they're filled in. Okay, हाँ ये ठीक है, ये one of the gas की प्रॉपर्टी हो गई। भैरवी एक आप प्रॉपर्टी आप बताओ। They do not have any definite shape or volume. Correct. नमन एक प्रॉपर्टी तुम बताओ। Occupy more space as compared to solids and liquids. फिर से रिपीट करो। They occupy more space. हाँ ठीक है, और कौन है इसमें? अर्जुन, अर्जुन आप आंसर करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सर दे आर इजी टू कंप्रेस। हाँ, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉपर्टी देखी, गैसेस हैव ह्यूज इंटर एटॉमिक स्पेस, गैसेस हैव वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, गैस उनका अपना कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता, वो जिस कंटेनर में होते हैं उसी का शेप और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये सारे आपके गैसेस की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये तो आपने जो कुछ भी देखा ये वो है जो आपने फिजिकल ऑब्जर्वेशन देखे हुए थे। अब आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है, राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग, मिजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मिजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस मतलब ऐसी गैस की प्रॉपर्टी जिनको हम लोग मीजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको हम लोग मिजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस बोलते हैं। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मिजरेबल है हमारे पास? सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी मास। तो किसी गैस के मास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो द मास ऑफ अ गैस कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन
by weighing the container containing the gas and then taking the weight of empty container, and the difference in the two weights gives the mass of the gas. सिंपल सी चीज है, इस तरह से हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली जब हम लोग गैसियस स्टेट में कैलकुलेशन करते हैं तो मास हमें हमेशा इन टर्म्स ऑफ मोल कैलकुलेट करने को आता है. मास हमेशा हमें कैसे कैलकुलेट करने को आता है? इन टर्म्स ऑफ मोल्स. तो आप यहां पर लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of mole. आपको याद होगा मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता था. मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. इस तरह से आप मोल वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं. मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो मास वैसे एज सच गैस का आपको कैसे करना है, जिस कंटेनर में गैस को रखा गया है उस कंटेनर को वेट कर लीजिए, उस कंटेनर में उसमें से कंटेनर के वेट को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द मास ऑफ गैस. बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ खास इसमें एज सच कोई लॉजिक नहीं था. इसके बाद दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, सेकेंड है आपके पास प्रॉपर्टी वॉल्यूम ऑफ गैस. इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग V से डिनोट करेंगे. मास को कैसे डिनोट करते हैं, M से, स्मॉल m से. मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिनोटेड बाय V. तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल यूनिट्स होती हैं, व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. हम लोग वॉल्यूम के लिए लीटर जानते हैं, मिली लीटर जानते हैं, मीटर क्यूब, डेसी मीटर क्यूब, ये सब हमारे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. तो हम लोग वॉल्यूम को हमेशा इन्हीं यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे. तो हम लोग इनका आपस में रिलेशन लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन लीटर. वन लीटर इज इक्वल टू, आप लोग बताओ मुझे, हाउ मेनी मिली लीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी डेसी मीटर क्यूब एंड हाउ मेनी मीटर क्यूब. हाँ, अभी कोई बोल रहा था, हाउ मेनी मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर. हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, 1000, दैट इज ऑल्सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब लिखिए या समटाइम बुक में आप ऐसा देखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी, ऐसा भी लिखा होता है. एंड वन लीटर इज हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब, निर्मित बताओ, वन लीटर हैज वन डेसीमीटर क्यूब. एंड वन लीटर हैज हाउ मेनी मीटर क्यूब, 1/1000 यानी 10^-3 मीटर क्यूब. ठीक है, ये आपको यूनिट्स के कन्वर्जन याद रहने चाहिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग कैलकुलेशन. इसके अलावा नेक्स्ट जो मीजरेबल प्रॉपर्टी है इनकी वो है डेंसिटी. Density of gas. तो density को हम लोग कहीं, आप लोग book में कई notation देखेंगे. एक notation तो इसका होता है कि हम इसको D से denote कर दें, या फिर दूसरा है rho. तो either इसको D या फिर rho symbol से denote किया जाता है density को. Density होती क्या है? Density is what? बताइए भाई, density क्या होती है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल सही. डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. इसको हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल इट एज एब्सोल्यूट डेंसिटी. इसके अलावा आपने और भी डेंसिटी सुनी होगी, मैं आपको और भी नेम बताता हूँ. क्वेश्चन में डेंसिटी की जगह पर कभी कभी और भी वर्ड्स लगे, से लिखा होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी लिखा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा होगा. एब्सोल्यूट डेंसिटी हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखा हो सकता है.
ठीक है, ये सब क्या चीज शो करता है, ये सब डेंसिटी को ही शो कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक रिलेटिव डेंसिटी भी होती है, उस रिलेटिव डेंसिटी का नाम है वेपर डेंसिटी। आपने सुना होगा वेपर डेंसिटी के बारे में। वेपर डेंसिटी ये हाइड्रोजन गैस के रिलेटिवली कैलकुलेट की जाती है। तो वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, किसी को नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टू, दिस इज योर वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ गैस जो है वो एक्चुअली एब्सोल्यूट डेंसिटी है, वो इंडिविजुअल डेंसिटी है, और वेपर डेंसिटी इट्स अ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव टू व्हाट, हाइड्रोजन गैस के रिलेटिवली कैलकुलेट किया गया इसको। ठीक है, तो ये सारे नोट कर लीजिए टर्म्स, नोट डाउन। खुशाग्र, व्हाई आर यू सो लेट? खुशाग्र, Why are you so late? Sir, वो actually network गया हुआ था, तो अभी WhatsApp आया। चलो ठीक है, नोट कर लीजिए ये। अभी हमने सिर्फ गैस की मीजरेबल प्रॉपर्टीज बताया है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर। The next property of gas is temperature. Temperature को हम लोग capital T से denote करेंगे। Temperature is denoted by capital T. तो temperature की possible units क्या क्या होती है? What are the possible units of temperature? Degree Celsius or you can say degree centigrade, Kelvin and Fahrenheit. Degree Fahrenheit. ठीक है, तो हम लोग को इन्हीं के बीच में रिलेशन देखना है। तो पहले मैं आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन लिख दे रहा हूं। केल्विन, केल्विन को हम लोग के से इंडिकेट करेंगे। के इज इक्वल टू होता है मोस्ट आइडियली इट इज 273.15, बट हम लोग प्रॉब्लम्स करते समय इस 0.15 को इग्नोर कर देते हैं, एंड फिर डिग्री सेल्सियस। हियर सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस। ये आपका केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है। इसके अलावा आपके पास एक डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट का भी रिलेशन होता है। मेरी आवाज वाइब्रेट कर रही है क्या? नहीं सर। सी बाई फाइव इज इक्वल टू एफ मी माइनस 32/9। This is your relation. C by 5 is equals to F minus 32/9. तो ये आपके पास केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है, और ये सेल्सियस और फॉरेनहाइट। यहाँ पर F stands for फॉरेनहाइट और C is सेल्सियस, K is केल्विन। तो इस तरह से आपके पास डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन का रिलेशन है। इसको भी अपने पास नोट करिए, आपको क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा यूज आएगा केल्विन और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट में, जो लास्ट प्रॉपर्टी आपको स्टडी करनी है, दैट इज योर प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर को हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे, प्रेशर पी। तो प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा, इट इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो जब भी आप कहीं पर भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसी को ही आप बोलते हैं प्रेशर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे कोई बताए आप में से, मैं यहाँ पर एक नेल ले रहा हूं, उस नेल का जो टर्मिनल है वो ऐसा है फ्लैट, और एक नेल मैंने लिया है उसका टर्मिनल है शार्प। इन दोनों में बताइए किसका प्रेशर ज्यादा होगा और किसका प्रेशर कम होगा? सेकंड वाले का ज्यादा होगा। रीजन क्योंकि उसका
एरिया बहुत छोटा है वो नीचे का वो टिप रीजन प्रेशर इज क्या रीजन लगता है आपको इसका सर इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया किसी को भी आइडिया है तो बताएं द एरिया ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज देखिए मैंने बताया ना प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिसका यहां पर आप देख सकते हैं कि जिसका एरिया ज्यादा है ये देखिए इसका एरिया ज्यादा है यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा और इसका एरिया कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो ये यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस आप देख रहे हैं वो ड्यू टू दी एरिया है तो यहाँ पर शार्प एज वाले का प्रेशर ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दी फ्लैट वन क्लियर ये चीज चलिए अब आते हैं इसकी पॉसिबल यूनिट तो अगर आप इसकी यूनिट्स निकालें तो आपको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया के लिए आप क्या यूज करते हैं एरिया के लिए मीटर क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए या फिर आप चाहें तो इसको न्यूटन को भी और एक्सपेंड कर सकते हैं आप न्यूटन क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना और नीचे मीटर का स्क्वायर ऑलरेडी है तो आप यहां से सिंप्लीफाई करके एक और यूनिट बना सकते हैं किलोग्राम यहां से आपका क्या बनेगा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर आप ऐसा भी इसको लिख सकते थे ठीक है चलिए तो हमें पहले इसकी पॉसिबल यूनिट्स लिखनी है फिर उनका आपस में कन्वर्जन तो प्रेशर की जो पॉसिबल यूनिट्स हैं वो क्या क्या है एक बार आप उनके बारे में जान लीजिए प्रेशर की एक पॉसिबल यूनिट होती है एटीएम ATM stands for atmospheric pressure. Atmospheric pressure. This is one unit. इसको हम लोग symbolic form में कैसे लिखते हैं ATM. This is one unit. Other unit is what? Bar. Next is Pascal. पास्कल को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं PA पास्कल के अलावा एक यूनिट हम लोगों ने अभी पीछे देखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आप CGS में रिप्रेजेंट करते हैं तो यू कैन राइट इट एज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं इसके अलावा और भी पॉसिबल यूनिट्स हैं टॉर मिलीमीटर ऑफ मर्करी स्केल सेंटीमीटर ऑफ मर्करी स्केल दीज आर द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में ठीक है तो अब मैं इन्हीं यूनिट्स का आपस में इंटर कन्वर्जन बताने जा रहा हूं तो लिख लीजिए उसको कहीं पर अच्छे से नोट करिए क्योंकि आपको वो यूज करने को आता है तो ये सब मैं 1 ATM के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चंस में 1 ATM सबसे ज्यादा यूज करने को आएगा इसलिए आपको इसको मैं 1 ATM के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी स्केल 1 ATM इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी स्केल अगर हम इसको बार में लिखते हैं तो इट इज 1.013 बार अगर हम इसको पास्कल में लिखेंगे तो 1.013 इंटू 10^5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट थी टॉर, 760 टॉर, ये भी हमारे पास एक यूनिट होती है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि वन बार हैज हाउ मेनी एटीएम, वन बार हैज हाउ मेनी एटीएम, वन एटीएम हैज 1.013 बार, तो वन बार हैज हाउ मेनी एटीएम, तो वन बार हैज 0.987 एटीएम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वन बार हैज हाउ मेनी पास्कल, तो आंसर होता है 10^5 पास्कल। ये सारा अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको ये सब कन्वर्जन्स की जरूरत पड़ सकती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मीजरमेंट ऑफ प्रेशर, मीजरमेंट ऑफ प्रेशर। अगर आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे मीजर किया जाता है, व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू मीजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मीजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मीजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं, द डिवाइस इज नेम एज बैरोमीटर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मीजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी डिवाइस है, इसमें कोई बहुत खास ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है, बस एक सिंपल सी डिवाइस है, आप इसका वर्किंग समझ लीजिए। यहाँ पर देखो एक ये थिन नैरो ग्लास ट्यूब दिया गया है, इसके अंदर मर्करी फिल किया जाता है, ठीक है, और इसकी जो हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर से ज्यादा रखी जाती है। ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर मर्करी फिल किया जाता है और इसकी हाइट को 76 सेंटीमीटर से ज्यादा का लिया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंटेनर है जिसमें मर्करी फिल है, उसी मर्करी के कंटेनर में इसको रिवर्स करके ऐसे रख देते हैं, रिवर्स करके। क्लियर? तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी आपको मैं बता दूं, लिक्विड की प्रॉपर्टी होता है कि लिक्विड के सरफेस पर हर एक जगह पर जितने भी कहीं पर भी आप फोर्स लगाइए, वो फोर्स सभी जगह इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं लिक्विड की प्रॉपर्टी की बात करूं, ये लिक्विड है, अगर आपने लिक्विड के लेटर सपोज इस एक पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया है, तो वो फोर्स केवल इस पॉइंट पे नहीं वर्क करेगा, वो फोर्स इस लिक्विड के हर एक सरफेस पे फील होगा, यानी वो फोर्स सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। आप लोग इस प्रॉपर्टी से पहले से अवेयर थे? हाँ सर। गुड। तो बस इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर एप्लीकेशन होने वाला है कि एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको यहाँ पर पी नॉट लिखा गया है, ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर जिसको यहाँ पे पी नॉट लिखा गया है, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर जब इस लिक्विड के सरफेस पे अप्लाई होता है, तो ये मर्करी का जो मर्करी है वो इस कैपिलरी में राइज करता है, ठीक है, इस लिक्विड कॉलम की हाइट बढ़ेगी, इस मर्करी कॉलम की हाइट इंक्रीज करती है। तो जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है, उस टाइम पर आप इस लिक्विड कॉलम की हाइट जो देखेंगे, वो हाइट तक मर्करी क्यों गया है, बिकॉज यहां पर एटमॉस्फेयर ने इस मर्करी के लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई किया। जितना प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पे एटमॉस्फेयर ने अप्लाई किया, उतना ही लिक्विड यहां पर उतनी ही हाइट तक जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर जो भी प्रेशर अप्लाई किया गया है, वो इस मर्करी कॉलम की हाइट के इक्विवेलेंट होगा, और वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो जाएगा। समझा आपने इसको? हाँ सर। हाँ सर। एक और डायग्राम लेते जिसमें थोड़ा सा और अच्छा क्लियरली विजिबल हो। हाँ, अभी ये वाले डायग्राम को देखिए, इसमें शायद आपको ये ज्यादा अच्छा विजिबल होगा। देखिए, ये है यहाँ पे, ये कंटेनर है, इसमें देखो मर्करी फिल है, और ये एक यहाँ पर ग्लास का कैपिलरी है जिसका माउथ इधर से क्लोज है और इधर से ओपन है। हमने इधर से प्रेशर अप्लाई किया एटमॉस्फेयर से, तो जितना प्रेशर आएगा उतना ही मर्करी कॉलम यहाँ से हाइट इंक्रीज करेगा। तो
तो जब हम यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं तो ये 760 मिलीमीटर की हाइट तक जाता है, या फिर अगर हम 70 सेंटीमीटर में मीजर करें तो इट इज 76 सेंटीमीटर की हाइट तक जाता है। तो इससे हमने यहाँ पर बोला कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के इक्वल होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, हाँ सर, क्लियर है चीज। अब इसी चीज को आप मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं और फिजिक्स का यूज करके भी दिखा सकते हैं। आपको फिजिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सर ने सिखा दिया। हाँ हाँ सर, सर, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जानते हैं तो इस कैपिलरी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस कैपिलरी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके इसमें जो भी मास है इसका वो नीचे की तरफ वर्क करेगा, वेट mg लगेगा यहाँ पर, ठीक है, और इसी के अपोजिट में यहाँ पर एक फोर्स वर्क करेगा जो इसको बैलेंस करके रखा है। वो फोर्स कैसे मीजर किया जाएगा? वो फोर्स मीजर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस पी नॉट। ये जो पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? पी नॉट इंटू ए। तो यहाँ पर वो उस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? पी नॉट ए फोर्स से उसको बैलेंस किया जा रहा है, समझा? और ये सब कब हो रहा है? जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं तो ये बैरोमीटर इधर से उधर वाइब्रेट करता रहेगा। जब ये सर बिल्कुल इक्विलिब्रियम की मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, जब आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं तो वो आपकी, जैसे आप रात में सो रहे हैं तो आप इक्विलिब्रियम स्टेज में हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। बैलेंस स्टेट को बोलते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए अदर वर्ड होता है बैलेंस। तो अगर हमें इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को राइट डाउन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू दी डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मरकरी कॉलम डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मर्करी कॉलम। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोर्स को फर्दर आप डिसोशिएट कर सकते हैं किसमें? मास ऑफ मर्करी कॉलम, मास ऑफ मर्करी कॉलम इनटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप जी बोलते हैं, डिवाइड बाय एरिया। तो अब अगर आप इसको यहाँ पर डिनोट करें तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं एम जी, और नीचे एरिया को हमने यहाँ पर लिख दिया है ए से, एम जी बाई ए, है ना? तो यहाँ से अच्छा एक चीज आप और कर सकते हो, मास ऑफ मरकरी कॉलम क्या हो सकता है? मास ऑफ मरक्यूरी कॉलम, हमने अभी पीछे डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना? और वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज एरिया ऑफ मर्करी कॉलम इनटू हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इनटू डेंसिटी, ऐसा लिखा जा सकता है। एरिया को हमने कैपिटल ए से, हाइट को एच से, डेंसिटी को डी से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। अब ये सब उठाकर ऊपर फॉर्मूले में रख दीजिए तो आपको प्रेशर देखिए क्या मिलेगा। मास की जगह पे आपने रखा ए एच डी जी डिवाइड बाई ए, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा एच डी जी, एच डी जी, दिस इज योर मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ प्रेशर। वी कैन ऑल्सो कॉल इट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर,
वी कैन ऑल्सो कॉल इट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसको आपने एक किसी लिक्विड के ऊपर कैलकुलेट किया है और ये प्रेशर बिल्कुल तभी वर्क करता है जब ये स्टेटिक है सिस्टम. ठीक है, जब आपकी कैपिलरी बिल्कुल स्ट्रेट है तभी ये प्रेशर वर्क कर रहा है. तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डाउनवर्ड ही वर्क करेगा, हमेशा डाउनवर्ड वर्क करेगा. तो ये पूरा नोट कर लीजिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का रिलेशन. मर्करी की डेंसिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ मर्करी आप कहीं पर नोट कर लीजिए, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए 13.596 ग्राम पर सीसी. दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी. आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में यूज करने को आया तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. डेंसिटी ऑफ मर्करी नोट कर लीजिए. तो ये हमने क्या किया है, बैरोमीटर की हेल्प से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैलकुलेट किया है, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, ये डायग्राम. ठीक है, यहाँ पर H क्या है, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम है, H इज हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, रो इज डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड आपने यूज किया है, G है वहां पर ग्रेविटी. तो इन तीन डन. हाँ सर, अभी लिख लो, लिख लो. फिर इसको मैं बैरोमीटर के बारे में कुछ और चीजें भी लिखा देता हूँ. आप लोग के मन में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, जैसे जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर जब लिखा करते थे कि प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर में, तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे ये कभी दिखाया नहीं कि वो मिलीमीटर में प्रेशर क्यों मेजर किया गया है. मुझे सिर्फ यही बताया गया कि प्रेशर का यूनिट इतना होता है, और वो प्रेशर का यूनिट क्यों है वो नहीं बताया कभी. तो मैं हमेशा सोचता था कि प्रेशर की यूनिट तो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, तो वो पता नहीं क्यों उसको मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं. मिलीमीटर तो लेंथ की यूनिट होती है. तो उसका आंसर आपको अभी मिल चुका होगा. जो यहाँ पे प्रेशर आप मेजर कर रहे हैं, वो प्रेशर हम लोग मर्करी कॉलम की हाइट के फॉर्म में मेजर करते हैं. क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट होता है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट. तो प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, एच. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच आता है, क्योंकि रो और जी, डेंसिटी और जी, यहाँ पर डी और जी कॉन्स्टेंट है. तो कॉन्स्टेंट हटा देंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. तो जब आप किसी भी कंटेनर को उस तरह से सेटअप करेंगे तो मर्करी कॉलम की जो भी हाइट होगी, दैट हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब वो हाइट आपने मिलीमीटर में मेजर की होगी या फिर आपने सेंटीमीटर में मेजर किया होगा. चलिए, आई थिंक नोट हो गया होगा. इसके बारे में कुछ थोड़े से टेक्स्ट है वो भी लिखवा देता हूं मैं. दिस अ मर्करी बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ अ मर्करी कॉलम सपोर्टेड इन अ सील्ड ग्लास ट्यूब. द डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ द मर्करी इन द कॉलम इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट presses down on the mercury in the dish and pushes it up to the column. चलिए, ये तो था आपका कि आपने एक एटमोसफियर का प्रेशर कैसे मेजर किया. कोई मुझे बताएगा किसी गैस का प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है. एटमोसफियर का प्रेशर तो हमने बैरोमीटर से देख लिया कि कैसे मेजर किया गया. गैस का प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, किसी को आइडिया है कुछ? बोलिए भाई, आपको कुछ आइडिया है हाउ टू मेजर द गैसियस प्रेशर, किसी भी गैस का प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? सर, एक क्लॉक जैसा डिवाइस होता है, उसमें नीडल लगी रहती है, उससे मेजर होता है. नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम चले गए दूसरी तरफ. उसको बोलते हैं प्रेशर गेज. क्या हुआ, बोला निर्मित, फिर से बोलो. PV equals nRT के फॉर्मूला से? नहीं नहीं बेटा, वो तो आइडियल गैस इक्वेशन है. वो गैस का प्रेशर डिवाइस कर कैलकुलेट करने का कोई एक्सपेरिमेंट थोड़े ना है. वो तो मैथमेटिकल रिलेशन है. चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ.
देखिए जब भी हमें गैस का प्रेशर मेजर करना होता है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमने डिवाइस देखी, द डिवाइस वाज नेम एज बैरोमीटर, ऐसे ही गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं, द डिवाइस इज कॉल्ड मैनोमीटर, डिवाइस इज कॉल्ड मैनोमीटर। अब हम लोग आते हैं गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह का सेटअप लगाते हैं। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनेगा, आप अपने पास स्केल वगैरह यूज करके अच्छे से बनाइएगा। मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, उतना अच्छा आता नहीं है वो स्क्रीन पे। देखिए इसमें इस तरह से एक ट्यूब ली जाती है जिसका एक एंड छोटा रखा जाता है और एक एंड बड़ा रखा जाता है, ऐसा। इस तरह से एक ट्यूब ली जाती है जिसका एक एंड छोटा रखा जाता है और दूसरा एंड इस तरह से, यानी एक कॉलम की हाइट ज्यादा होगी और एक कॉलम की हाइट कम होगी। जो छोटा वाला कॉलम है, इसी वाले कॉलम को एक बल्ब से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और ये वाला कॉलम ऐसे ओपन रहता है। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मरकरी फिल कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मरकरी फिल कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले पॉसिबल, हमें यहाँ पे 3 डायग्राम्स की जरूरत है उसको समझने के लिए, तो मैं पहले सारे बना देता हूँ फिर एक साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी चाहो तो मेरे साथ साथ बना लो। आप अपने साइड से कोशिश करिए कि अच्छा डायग्राम बनाइए। पर्पज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है वहां पर। चलिए तो ये हमारे पास तीनों सेम है, तीनों ये जो मेरे आपको देखने में अलग अलग हाइट के लग रहे, सब सेम हाइट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक यू एल जे शेप लिया हुआ है जिसमें एक साइड लेंथ ज्यादा है और एक साइड ये लेंथ छोटी है। छोटी वाली लेंथ के साइड पर यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया है। इस जहां पर हमने बल्ब लगाया है इसी में ही आप वो गैस फिल करेंगे जिसका आप प्रेशर मेजर करना चाहते हैं। कैपिटल जी से मैंने उस गैस को इंडिकेट किया है जिसका आप प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया है, मैंने एक केस लिया है जिसमें यहाँ पर मैंने मरकरी फिल किया है और दोनों साइड पर मरकरी कॉलम की हाइट जो है वो सेम है, दोनों साइड पे मरकरी कॉलम की हाइट सेम रखी है हमने। एक केस हमने ऐसा रखा है जिसमें मरकरी कॉलम की हाइट इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, मरकरी कॉलम की हाइट का डिफरेंस है। एक केस में इधर मरकरी कॉलम की हाइट ज्यादा है और इधर मरकरी कॉलम की हाइट कम है। तो ये तीन पॉसिबल आपको पॉसिबिलिटीज दिखेंगी, ठीक है। पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखते हैं। यहाँ पर हमने इसका माउथ ओपन रखा है। क्यों ओपन रखा है, सो दैट हम यहाँ से क्या अप्लाई कर सके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर सके। हमने यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, ठीक। तो केस नंबर वन, अगर हम फर्स्ट वाले डायग्राम को देखें, मैं फर्स्ट वाले डायग्राम की कंडीशंस को पहले लिख रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन में लेवल ऑफ मरकरी इज सेम इन बोथ लिम्ब, इनको हम लिम्ब बोलते हैं, ये बोथ लिम्ब्स। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो भी गैस का प्रेशर होगा उस वो किसके बराबर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब ये गैस जो है ना, इसने इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई किया है और इधर से एटमॉस्फेयर ने इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई किया है। जब दोनों साइड पे लिक्विड कॉलम की साइज हाइट बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि दोनों साइड पे जो प्रेशर अप्लाई हुआ है वो सेम है। इसका मतलब इस गैस का प्रेशर जो है वो इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है। तो हमें गैस का प्रेशर यहां से मिल जाएगा। और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर, ठीक है। ये वाला लाइन समझ में आया सभी को, गैस का प्रेशर कैसे मिला? हाँ सर। सेकंड वाले पे जाते हैं। सेकंड वाले में अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि लेवल ऑफ मरकरी इन longer limb is higher
है ना, लेवल ऑफ मर्करी इन लॉन्गर लिंब इज हायर, कितना हाई है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करें कितना हाई है, तो लेट अस सपोज ये एच हाई था, ठीक है। तो यहां पर हम अब प्रेशर ऑफ गैस कैसे आएगा, अब यहां पर देखिए ये जो हाई है क्यों आया, क्योंकि गैस ने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया था, तो इसका मतलब अब जो गैस का प्रेशर है वो किसके बराबर है, वो वहां पे जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था प्लस जितनी एडिशनल उसने हाइट गेन की है उसके बराबर आएगा। तो यहां पर गैस का प्रेशर कितना आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम देन लेफ्ट हैंड कॉलम, तो ये आपको जो मिलेगा ये गैस का फाइनल प्रेशर होगा। फिर आपके पास थर्ड कैटेगरी है, थर्ड केस, थर्ड केस में आपका क्या हुआ है, द लेवल ऑफ मर्करी इज शॉर्ट, लेवल ऑफ मर्करी इज हायर इन shorter limb like this, यहां पर देखो ये shorter limb में यहां पे इसका level high है, कितना high है as compared to this, इतना high है, let h high था, ठीक है। तो अब हम जरा pressure को balance करेंगे gas का, तो gas ने जो pressure apply किया है वो किसके बराबर आएगा, एक तो atmospheric pressure, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो atmospheric pressure ने इस हाइट को विन किया है, तो हमें यहां पर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटीएम में से एच को माइनस करना पड़ेगा। ये लाइन समझा क्यों माइनस किया हमने, हाँ सर, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से निकालने को आएगा तो आपको हाइट ऑफ द कॉलम देख लेना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है और आपको गैस का प्रेशर मिल जाएगा। तो ये है आपका मैनोमीटर जिसकी हेल्प से आप गैस का प्रेशर मीजर करते हैं। तो ये है, ये हमने विद दी हेल्प ऑफ कह सकते हो कि क्लोज ओपन ट्यूब से ये मीजर किया है, ठीक है। हमारे पास एक और अरेंजमेंट है कि हम यहां पर क्लोज ट्यूब ले लें, क्लोज ट्यूब से मेरा मतलब है लाइक दिस, यहां पर इसका माउथ क्लोज रखा है हमने और इधर हमने ये बल्ब लगाया है जिसमें आपकी गैस फिल है, जिसमें हमने क्या फिल किया है, गैस, ठीक है। अभी हमने यहां पर मर्करी फिल किया, तो जब हमने यहां पर मर्करी फिल किया है तो मर्करी जब हमने यहां पे फिल किया तो इनिशियली जब ये गैस यहां पर गैस का कह सकते हो यहां पे एक नॉब लगा दो, गैस यहाँ पर ये क्लोज था तो उस वक्त ये मर्करी का जो प्रेशर था वो दोनों साइड पे इक्वल था, मर्करी का प्रेशर इनिशियली दोनों साइड पे इक्वल था, यानी दोनों साइड पे हाइट इक्वल थी दोनों में, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर नहीं लग रहा, फिर हमने क्या किया, हमने यहां से ये नॉब खोल दिया। अब जैसे ही हमने नॉब खोला तो गैस ने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया होगा, गैस ने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया होगा, तो गैस ने जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो इसका कॉलम इधर से ड्रॉप करेगा और इधर से कॉलम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो इंक्रीज कर रहा है मैं उसको अलग कलर से दिखा देता हूं, सो दैट आपको वो इंक्रीज प्रॉपरली अलग से दिखे, ठीक है। जितना उधर इंक्रीज किया है उतना ही इधर डिक्रीज किया है कॉलम में, समझा आपने, क्लियर। yes, तो आइदर आपके पास दो चॉइस है, आइदर आप इधर डिक्रीज इन कॉलम फाइंड कर लीजिए या इधर इंक्रीज इन कॉलम फाइंड कर लीजिए, बोथ विल रिमेन सेम, ठीक है, क्लियर। और एक बार आपने ये जो भी हाइट यहां पे फाइंड की है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पी गैस इज इक्वल्स टू दी दिस हाइट ऑफ द कॉलम, जितना हाइट यहाँ पे कॉलम का रेस किया है या इधर जितना ड्रॉप किया है वही गैस का प्रेशर हो जाएगा। दिस इज क्लोज इन मैनोमीटर, इसको बोलते हैं क्लोज
एंड मैनोमीटर. क्लोज एंड मैनोमीटर. किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या हुआ निर्मित? नोट करना है. सुनाई नहीं दिया मुझे, फिर से रिपीट कर एक बार. सर ये सब कॉपी करना है मुझे. अच्छा तुमने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया अभी तक? कहां से करना है बताओ. मैनोमीटर यहां से. ये डायग्राम बनाया था? चलो ये डायग्राम बनाओ. डायग्राम में यहां पर नंबरिंग भी कर दो, केस वन, केस टू, केस थ्री. ये ओपन एंड मैनोमीटर है, उसके कंक्लूजन, और फिर ये क्लोज इन मैनोमीटर और उसका कंक्लूजन. नोट डाउन. अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग क्लोज एंड मैनोमीटर लेते हैं ना, तो इस मर्करी के ऊपर ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, यहां पर वैक्यूम होना चाहिए. यहां पर वैक्यूम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा. अगर वहां पर कोई गैस आ गई तो उस गैस का प्रेशर भी वहां पर आपको फिर माइनस करना पड़ेगा. तो इसीलिए आपको वहां पे वैक्यूम लेंगे तब ये रिजल्ट ट्रू है. आपको जितने भी रिजल्ट मैंने लिखाया अभी, अगर वहां पर अगर कोई भी गैस होगी तो उस गैस का प्रेशर भी हमको माइनस करना पड़ेगा. तो जब भी यहाँ पे वैक्यूम की जगह पर कोई गैस आ जाती है ना, तो उस तरह के डिवाइस को बोलते हैं फॉल्टी डिवाइस. उस डिवाइस को बोलते हैं फॉल्टी डिवाइस. पहले जेई के सिलेबस में फॉल्टी बैरोमीटर था सिलेबस में, अभी आजकल उस पे क्वेश्चन आना बंद हो गया, लेकिन केवीपीवाई में आज भी क्वेश्चन आता है, ओलंपियाड में क्वेश्चन आता है फॉल्टी बैरोमीटर का. आप मुझे बता सकते हो कि ओपन एंड बैरोमीटर और क्लोज एंड बैरोमीटर में से कौन सा ज्यादा बेटर होता है यूज करने के लिए? ओपन एंड बैरोमीटर मैनोमीटर और क्लोज एंड मैनोमीटर में कौन ज्यादा बेटर है? सर क्लोज एंड बेटर है. अच्छा व्हाई क्लोज एंड इज बेटर? सर इफ इट्स ओपन तो उसमें इम्प्योरिटीज भी आ सकती है. इम्प्योरिटीज एज सच क्या इम्प्योरिटी आएगी? जो भी इम्प्योरिटी, एक्चुअली यहाँ पर आपका ये मटेरियल का वहां पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहां पर सब कुछ प्रेशर के टर्म्स में मीजर किया जा रहा है. तो अगर आपने क्लोज एंड रखा है तो उसका पहले प्रॉब्लम जानिए. क्लोज एंड में प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर वैक्यूम होना चाहिए मरकरी के ऊपर, लेकिन समटाइम ड्यूरिंग फिलिंग वहां पर एरर आ जाती है और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एयर वहां से एंटर कर जाती है, जो आपको वहां पे प्रेशर की रीडिंग में रॉन्ग रीडिंग हमें प्रोवाइड करती है. लेकिन अगर आप ओपन एंड बैरोमीटर यूज करते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक लैब में हर कॉर्नर पे, कहीं पर भी खड़े हो जाइए, हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम मिलेगा. आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना है कि ऊपर का कॉलम में कोई गैस है या नहीं, वहां पर हर जगह पर इक्वल प्रेशर अप्लाई हो रहा है. ओपन एंड मैनोमीटर्स आर बेटर देन क्लोज एंड, क्योंकि क्लोज एंड बैरोमीटर मैनोमीटर्स में वैक्यूम क्रिएट करने में समटाइम एरर हो जाती है. अगर वैक्यूम ना हो तो फिर वैक्यूम वाली प्रॉब्लम को हटा दिया जाए तो क्लोज इन मैनोमीटर इज गुड. सो विदाउट वैक्यूम व्हाई इज द क्लोज एंड मैनोमीटर बेटर देन? विदाउट वैक्यूम मतलब हाँ पूछो क्वेश्चन फिर से अपना पूछो एक बार. Like, उसमें वैक्यूम क्रिएट करने में प्रॉब्लम आता है, सो द ओपन एंड इज बेटर, बट देन यू सेड इफ वी डू नॉट लुक एट द वैक्यूम सो देन द क्लोज्ड एंड मैनोमीटर इज बेटर. क्योंकि रीजन, हाँ मैं बता रहा हूँ उसी लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्री अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलने के चांसेस होते हैं. ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन आपको समझने में एक दिक्कत हुई, यानी जहां पे प्लस करना था माइनस करना था आपने वहां पे मिस्टेक किया, तो आप कैलकुलेशन एरर कर देंगे. लेकिन यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं आता,
यहाँ पर तो सिंपली जितना भी हाइट में चेंज होगा, बस आपको वो हाइट में चेंज मेजर कर लेना है, दैट विल बी योर गैसियस प्रेशर। ओके, लेकिन ध्यान रखना जो ज्यादातर जो डिवाइस बिजनेसेस या कह सकते हो कि इंडस्ट्री वगैरह में हमें प्रेशर मेजर करने के लिए हमेशा हम लोग ओपन एंड यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना भी ज्यादा और कम होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट यहाँ पर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरियर नहीं रखा गया है, ठीक है। और कभी कभी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी जरूरत होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है, इसलिए भी इंडस्ट्री में ओपन एंड वाला यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फॉल्टी बैरोमीटर, वो भी हम लोग कर लेते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। हेडिंग डालिए फॉल्टी बैरोमीटर, फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर में पहले तो जानिए कि फॉल्ट कैसे आता है बैरोमीटर में, इस पॉइंट को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बैरोमीटर में जो ये वाला एरिया होता है, जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पे वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि यहाँ पर वैक्यूम नहीं होता, यहाँ पर कोई गैस आ जाती है। तो अगर वो गैस आ जाती है तो अगर आपने उस गैस को कंसीडर नहीं किया वहां पर, तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो रॉन्ग होगी, और उसी लिए उस बैरोमीटर को फॉल्टी बोला जाता है। तो इन एन आइडियल बैरोमीटर विल शो करेक्ट रीडिंग ओनली इफ स्पेस अबव, आइडियल बैरोमीटर विल शो करेक्ट रीडिंग ओनली इफ द स्पेस अबव द मर्करी कॉलम इज वैक्यूम, बट इन केस इफ सम गैस कॉलम इज ट्रैप्ड इन द स्पेस अबव द मर्करी कॉलम, देन द बैरोमीटर इज क्लासिफाइड एज अ फॉल्टी बैरोमीटर and the reading of such barometer will be less than the true pressure. तो अब देखो faulty barometers को deal कैसे किया जाता है। faulty barometer में देखो जब यहाँ पर आप pressure apply करेंगे इस जगह पर, तो जो भी आप पे atmospheric pressure लग रहा है P not A, वो पहले आपने P not A को mg के directly बराबर कर दिया था, लेकिन अभी वहां पर एक और गैस का pressure work कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह पर जो गैस है वो गैस भी तो अपना प्रेशर दे रही है, देखिए P गैस इनटू A, ये फोर्स अप्लाई होगा नीचे, और जो यहाँ पर एटमॉस्फियर है वो भी अपना उस इस मास को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है इधर से। तो आपके पास रीडिंग क्या आएगी, P नॉट दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द mg प्लस पी नॉट ऑफ ए। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, एम की जगह पर आप लिख सकते हैं ए रो एच, ए रो एच, रो लिखा है आप उसको डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमने पीछे डेंसिटी के फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको डी के फॉर्म में लिख लीजिए, डी जी एच है तो ए डी जी एच। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने पीछे डेराइव किया था डेंसिटी मास क्या होता है, मास इज ए डी एच, पीछे हम लोगों ने डेराइव किया था, वो उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए, फिर ए पूरी इक्वेशन में से कट जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिलेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इज इक्वल टू डी जी एच प्लस गैसियस प्रेशर। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग फॉल्टी बैरोमीटर से भी करेक्ट रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर क्या देखना है, फोर्स बैलेंसिंग, कि पहले क्या था कि मास वेट mg जो था उसको कौन बैलेंस कर रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर रहा था, है ना। अभी वहां पर एक एडिशनल प्रेशर और काम करने लगेगा, जो गैस यहां पर ट्रैप हो गई है, तो उस गैस के प्रेशर को भी हमने इस वेट में ऐड कर दिया, और बाद में उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। तो ये है फॉल्टी बैरोमीटर का क्योर। चलिए तो ये हमने अभी आपको बताया कि हाउ टू मेजर द प्रेशर, अब आते हैं इसके, ये कॉपी कर लो जल्दी से, फिर इसके बाद हम लोग ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। आपको बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करने को आता है गैसीय स्टेट में, तो आपको ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है वो बताना है मुझे।
मैथ्स में आपको कोई ग्राफ पढ़ाया गया, मैथ में या फिजिक्स किसी में भी? हाँ सर। कौन कौन से ग्राफ पढ़ाए गए मैथ में? सर टी रेशियोस के। किसके पढ़ाए गए फिर से बोलो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अच्छा वो तो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोस के नहीं, मेरा है इसका कोनिक्स के ग्राफ पढ़ाया गया आपको? नहीं। चलो तो ठीक है, मतलब मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, तो मुझे वो सिखाना पड़ेगा आपको। एनीवे कोई बात नहीं, करते हैं। पहले आप ये कॉपी कर लिए सर? करना है कॉपी। करो करो करो, जल्दी करो। गैसीय स्टेट में आजकल जेई का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा मैक्सिमम टाइम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको ग्राफ बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। सर डन। ठीक है, सभी लोग कंफर्म करो तो फिर मैं आगे बढ़ू। सर बाकी है। कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। आप लोग को ये पता है ना, मेरी क्लास कल शोभित ने लिया था, तो मेरी क्लास संडे को है, तो कल मैं उसी सेम टाइम पे जब मैथ होगा उसी टाइम पे मैं अपनी क्लास लूंगा। चलिए अब हम लोग लिखे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ बनाना सीखना है आपको, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बनाना बता रहा हूँ, उनको पहले आपको सीखना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ भी कई तरीके के होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस वाले जो ग्राफ के लिए इक्वेशन होती है, द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स, हियर m इज इक्वल टू स्लोप, हियर m इज स्लोप और इसकी वैल्यू कितनी होती है tan थीटा, और y और x क्या है, एक्सेस है। चलिए तो इसका मैं ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाता हूं। देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, यहां पर ये y एक्सेस है, ये वाला y एक्सेस है और ये x एक्सिस है। तो इक्वेशन में आपको क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई इक्वेशन होगी, आपको उस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। तो जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, जो टर्म y एक्सिस पे रखा गया है और जो टर्म x एक्सिस पे रखा गया है, उसको आपको y और x एज्यूम करना है और आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो अगर वो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx टाइप की आती है, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोला जाता है, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज व्हाट, स्लोप, दिस इज व्हाट, स्लोप। समझा सबको ये? हाँ सर। पहला आपको ये ग्राफ याद रखना है। दूसरा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन हैविंग वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन हैविंग वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप, तो इस इक्वेशन का नाम को कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये y एक्सिस है और ये वाली x एक्सिस है, तो इनका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, लेकिन जिसका वाई एक्सिस पे कोई क्या है, इंटरसेप्ट है। लेट अस सपोज ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर इस इक्वेशन में ये एम क्या है, स्लोप है, और सी क्या है, सी इज
वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, तो ये सी जो भी होगा वो क्या है, सी इसको डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट हुआ, और फिर यहां से हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ठीक, और इस स्ट्रेट लाइन का हम यहां से स्लोप देखेंगे तो वो हमें पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है, तो ये है स्ट्रेट लाइन हैविंग वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप। थर्ड ग्राफ हमें बनाना है, स्ट्रेट लाइन हैविंग वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एंड निगेटिव स्लोप ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन का ऐसे ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू स्लोप निगेटिव है तो माइनस एम एक्स प्लस सी ऐसा रहता है ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यहां पर ये हमने क्या लिया है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, लेट अस सपोज यहां पर y एक्सिस इंटरसेप्ट ये है c, c क्या होता है ये डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस है ये c, और स्ट्रेट लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है बट विद निगेटिव स्लोप, तो निगेटिव स्लोप का मतलब क्या हो जाता है, निगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि ग्राफ ऐसा जाएगा ठीक है, ग्राफ कैसा गया इस तरह। अब मैं अगर यहां पर स्लोप देखूंगा तो ये स्लोप ऐसे मीजर किया जाता है, आपको पता है कि टेन जो होता है 90 प्लस थीटा हमेशा निगेटिव आता है, पता है ना आपको ये चीज, इतना तो आपको बताया गया होगा, ये देखो ये 90 से ज्यादा का थीटा है तो अगर मैं इसका टेन थीटा निकालूंगा तो वो कैसा आएगा माइनस टेन थीटा आएगा, या मैं इसको ऐसे डायरेक्टली माइनस टेन थीटा भी लिख देता हूं, तो ये आपका थर्ड ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है, बना लीजिए तीनों ग्राफ, ये इनमें से कोई भी ग्राफ आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको बताना पड़ेगा, बोलिए कौन कौन सा आपने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। सर कोई भी नहीं। तो तुम कर क्या रहे थे? चलो करो अभी करो, स्ट्रेट लाइन के ये तीन ग्राफ है तीनों ड्रॉ करो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना सीखना है कैसे ग्राफ बना है, इक्वेशन आपके दिमाग में एकदम पिन कर जानी चाहिए, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का कोई भी इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि अभी आपको ग्राफ प्लॉट करने को बहुत सारे आने वाले हैं तो वहां पर मैं आपको ग्राफ बनाकर नहीं दूंगा, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं कि आपको वो ग्राफ खुद प्लॉट करने हैं, मैं सिर्फ हिंट करूंगा आपको बस, वैसे तो बहुत सारे ग्राफ है मैं सारे नहीं ड्रॉ करवाऊंगा, मैं सिर्फ वही करवाऊंगा जिसका आपको केमिस्ट्री में यूज आता है, तो केमिस्ट्री में आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है और हाइपरबोला का, उसके अलावा सर्कल होता है पैराबोला होता है वो सारे ग्राफ मुझे नहीं बनवाने, वो हमारे यहाँ मेरे लिए यूजफुल नहीं है, हमें वो सब ग्राफ कभी भी केमिस्ट्री में बनाने को नहीं आते, तो स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन आपने बना लिया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे हाइपरबोला ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ ओके। चलिए इसके बाद अब आते हम लोग नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन के बाद हाइपरबोला का ग्राफ, हाइपरबोला हाइपरबोलिक कर्व, तो हाइपरबोलिक कर्व कैसा दिखता है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू वन अपॉन x और यू कैन राइट इट एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन, वन इज व्हाट कांस्टेंट, तो ये आपका हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो इनका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर हमने y एक्सिस पे
y लिखा और x एक्सिस पे x, तो अगर कोई भी ग्राफ इक्वेशन इस तरह की है y is equals to 1 upon x या xy is equals to constant टाइप की ग्राफ है, इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम लोग यहां पर लेट अस सपोज यहां से शुरू किया हमने ग्राफ, ये ऐसा जाता है, यहां पर ये स्लोप थोड़ा और अच्छा आना चाहिए था ऐसा, ये है आपका हाइपरबोलिक ग्राफ। देख सकते हो आप यहां पर जब x तुम्हारा कहां पे जा रहा है इंफिनिटी को, तो y जीरो को टेंड कर रहा है, और जब y इंफिनिटी को जाएगा तो x जीरो को टेंड करने लग जाता है। तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ।